कैसे हो आप लोग दोस्त। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसा जो काफी इम्पोर्टेंट चीज है यूनिट कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो ये आप अगर फील्ड पे काम कर रहे हो, फील्ड में साइट पे वर्क कर रहे हो, या इलेक्ट्रिशियन हो या कोई सा ही प्लम्बिंग हो, तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन आना जरूरी है। एमएम से इंच में और बहुत सारे इसमें फेरनहाइट हो गया, मतलब इंच में हो गया, फीट में हो गया। इसको छोटी छोटी चीज को लोग मतलब इग्नोर कर देते हैं, मगर ये आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लेक्चर से आप मतलब इसमें मैं काफी इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। तो अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यह इम्पोर्टेंट आईटीआई वाले के लिए भी है, टेक्नीशियन के लिए भी है, सुपरवाइजर के लिए भी है, एक इंजीनियर के लिए भी है, क्योंकि ये नॉलेज आपको आना चाहिए। मतलब अगर कोई एक बार बोले तो एक बार में आपको मतलब उसको बताना जरूरी है कि एक मीटर में कितना इंच होता है, एक मीटर में कितना फुट होता है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए मैं लिख दिया हूँ, एक बना दिया हूँ यूनिट कन्वर्जन का, वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। ठीक है, तो फर्स्ट ये है आपका कि डिग्री सेल्सियस में है तो फेरनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। अगर कोई सा भी टेम्परेचर है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आपका शो कर रहा है, मान के चलो बारिश हो रही है, चाहे ऐसे नॉर्मल मौसम डाउन है, तो उसमें डिग्री सेल्सियस में ही लोग ज्यादा कैलकुलेट करते हैं। तो फेरनहाइट में भी अगर कोई पूछ दिया या फेरनहाइट में निकालना हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है जो फेरनहाइट माइनस 32 क्लोज ब्रेसेस हो गया इंटू 5 / 9। ठीक है, तो दूसरा ये है 1 फीट में, 1 फीट में कितना एमएम होता है, तो 304.8 एमएम होता है, 304.8 एमएम। अगर इसको मीटर में करेंगे तो 0.308, मतलब 0.308 एमएम हो जाएगा। ठीक है, एमएम मीटर में हो जाएगा ये। ठीक है, एमएम में था तो मीटर में भी कर दिया। ठीक है, और तीसरा ये है कि 1 इंच में कितना एमएम होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोग तो इंच में फीट में बता देते हैं, एमएम में ध्यान रखना जरूरी है। तो 1 इंच में 25.4, मतलब 25.4 एमएम होगा। इसमें सेंटीमीटर में करोगे तो आप इसको देख लो 2.54 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो इसके बाद चौथा ये है 1 एमएम में 3.28 फीट होता है। ठीक है, 1 मीटर में 3.28 फीट, मतलब अगर 1 मीटर आपका जो हुआ उसमें फीट का जो है वो 3.28 फीट होगा। ओके, फिर उसके बाद पांचवा है 1 फीट में क्या होता है, 1 फीट में 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच, ये तो नॉर्मल जानते हैं लोग, तो ये चीज तो आपको याद ही होगा। सिक्स ये है, अब स्क्वायर में चलेंगे। स्क्वायर में भी थोड़ा सा होता क्या है कि लोग मतलब मिस्टेक करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 एमएम, ये 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू फीट में इसको कन्वर्ट करना है, तो 0.76 फीट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो 1 एमएम 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो 5 मीटर भी करोगे तो इसका फीट स्क्वायर का आप निकाल लोगे इजिली। अच्छा, एसी में क्या होता है कि आपका एसी जो टन में रहता है उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस रूम के अंदर नॉर्मल अगर 120 स्क्वायर फीट का जो है आपका रूम, 120 स्क्वायर फीट का, तो उसमें 1.5 टन का एसी बहुत मतलब आराम से उसमें कंफर्टेबल मतलब आप उसमें यूज करोगे और काफी आराम उसमें महसूस करोगे, कूलिंग अच्छा देगी आपका। तो जो एसी का जो मेन है मुद्दा, तो उसमें जो है टन में ही आता है। तो 1 टन बराबर, इसमें BTUR भी होता है, 1200 BTUR पर आवर होता है, BTU पर आवर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट करोगे तो 1 TR बराबर किलोवाट में आ जाएगा 3.51685 किलोवाट। तो ये भी आप याद रखना, काफी इम्पोर्टेंट ये 2 पॉइंट है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एक बात और, इसमें CFM में भी होता है, क्यूबिक फीट मिनट। ठीक है, तो इसमें देखो आप 1 TR बराबर 400 CFM होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चिल्लर के लिए होता है, इससे थोड़ा बहुत कम भी होता है VRF में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल 1 TR इक्वल टू 400 CFM चिल्लर में आएगा ही आएगा। ठीक है,
और इसके बाद है आपका 1 CFM में कितना CMH होता है, ठीक है, 1 CFM में कितना CMH, तो 1.69 CMH, ठीक है, क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है। उसी तरह आपका फीट में आ जाएगा, 1 फीट स्क्वायर में आ जाएगा, फीट स्क्वायर में आपको निकालना है तो स्क्वायर इंच में निकालना पड़ेगा, जैसे फीट स्क्वायर तो 1 फीट स्क्वायर बराबर 144 स्क्वायर इंच हो जाएगा, इंच में लाना है तो, ठीक है, इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ये है कि आपको 1 TR बराबर 400 CFM तो बता दिया, ये आपको याद रखना है HU के लिए नॉर्मल। और उसके बाद है 1 MPS, MPS में 3.28 FPS, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है, 1 MPS में 3.28 FPS, तो फीट पर सेकेंड हो गया, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए यूनिट कन्वर्जन ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखना आप, नॉर्मल मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस में रहेगा तो उसको फेरनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फेरनहाइट माइनस 32 × 5/9, ठीक है, तो इसको आप फेरनहाइट में निकालोगे, 1 फीट बराबर 304.8 mm होता है, इसको मीटर में करोगे तो 0.308 मीटर हो जाएगा, 1 इंच में 25.4, इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 2.54, तो ये चीज है, ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 3.28 फीट, और उसमें 1 फीट में हो जाता है 12 इंच, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर में 0.76 फीट स्क्वायर हो जाएगा, 1 TR में तो बता ही दिया आपको 1200 BW/h होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और 1 TR में किलोवाट में 3.516 आपको याद रखना पड़ेगा, ये हो गया। तो 1 CMH निकालना है आपको, CFM से CMH में निकालना है, तो 1 CFM बराबर 1.69 CMH, तो आपको 400 रहेगा या कुछ भी, तो आप तो निकाल लोगे नॉर्मल, उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 फीट स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 स्क्वायर इंच में, 1 TR बराबर 400 CFM, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 MPS में FPS में निकालना होता है, तो 1 MPS बराबर 3.28 FPS, तो अगर 400 MPS या 500 PS या 1000 तो उसको आप निकाल लोगे, 1 TR में 400 CFM होता है, 1 CFM, तो ठीक है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट इसमें ये दे रहा हूँ कि जो वर्क है आपका, जो वर्क इसमें दी जो है मैं दे रहा हूँ, आप कन्वर्ट करके मुझे कमेंट में बताना जरूर, तो आपका होमवर्क हो गया, हो गया। फर्स्ट ये है 110 फेरनहाइट में दिया हुआ है, 110 फेरनहाइट है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आप इसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। दूसरा ये है 11400 स्क्वायर इंच, इसको स्क्वायर इंच में पहले से दिया है, इसको स्क्वायर फुट में करना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप देख लेना, इसको भी कमेंट में दिख देना, सेकेंड डिक्कर, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड ये आंसर। थर्ड ये है कि ये देखो आप 3 इंच जो दिया हुआ है, 3 इंच 10 फुट, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी 3 फुट और 10 इंच, तो ये इसको मीटर में कर देना है, mm में करना है, mm में। चौथा ये 120 स्क्वायर इंच में इसको फुट में करना है आपको कन्वर्ट करके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पांचवा ये है कि 1 इंच में, ठीक है, 1 इंच में सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसको ये लास्ट पांचवा आपका है, इसको भी आप बता देना कमेंट में, आप जरूर बताना कि इसका क्या क्या आंसर है, ताकि मैं आपको, इससे क्या होगा, आपको स्ट्रांग होगा आपका यूनिट कन्वर्जन जो है, स्ट्रांग होगा, आप साइड पे वर्क कर रहे हो बट आप मतलब टेंशन में हो यार, ये मतलब मेजरमेंट जो आती है बात, तो उसमें आपको मतलब तुरंत फटफट स्टार्ट, कहीं पे कोई रुकावट नहीं हो, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई पूछ दिया तो टेंशन में आ गया कि हाँ 1 CFM बराबर कितना यार ये TR होगा, तो उसमें किलोवाट में क्या होगा, तो बहुत सारा चीज है, तो इस चीज का आप ख्याल रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में खास करके मैं इसलिए बताया हूँ कि ये सबके लिए नॉलेज के लिए है, ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर मेरे वीडियो को पहले वीडियो नहीं देखे हो तो उसपे
जॉब के लिए वर्क काम के लिए उसमें वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो। और इसमें मैं काफी इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा, नेक्स्ट मैं ये बताऊंगा कि एसी में जो है, एसी में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो उसको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।